सुप्रभात बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सर्कल। आप सबका मेरे चैनल स्टडी सर्कल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिल्पा आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लेके आई हूँ और उस कहानी का नाम है प्यासा कहुआ। तो बच्चों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आओ बच्चों, अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है प्यासा कौआ। कहानी शुरू करने से पहले हम आज की तिथि लिखेंगे। तिथि होती है डेट 30 जुलाई 2020, कक्षा कार्य। कहानी का नाम है प्यासा कौआ और दिन है वीरवार। तो एक बार एक कौआ बहुत प्यासा था। कि एक बार की बात है कि एक कौआ था और वो बहुत प्यासा था। वह पानी की खोज में भटक रहा था और वो पानी को ढूंढते ढूंढते इधर उधर उड़ रहा था, भटक रहा था। अंत में वह एक बाग में पहुंचा। फिर उड़ते उड़ते वो एक बाग में पहुंचा। वहां उसने एक घड़ा देखा और बाग में उसने क्या देखा, एक घड़ा देखा। परंतु घड़े में पानी बहुत कम था। पर जब उसने घड़े के अंदर झांक कर देखा तो घड़े में पानी बहुत कम था। उसके पास ही कुछ कंकर पड़े हुए सॉरी उसने पास ही कुछ कंकर पड़े हुए देखे। फिर कौए ने देखा कि घड़े के पास कुछ छोटे छोटे से कंकर पड़े हुए हैं। उसने एक उपाय सोचा। फिर उसने एक उपाय सोचा कि एक प्लान बनाया। उसने कंकरों को घड़े में डालना शुरू कर दिया। उसने एक एक कंकर अपनी चोंच से उठाया और घड़े में डालना शुरू कर दिया। इससे पानी ऊपर आ गया। वो जैसे जैसे कंकर घड़े में डालता गया, क्या उससे क्या हुआ, पानी ऊपर आना शुरू हो गया। फिर क्या था, कौवे ने पानी पिया और उड़ गया। कौवे ने जी भर के पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई और फिर वो उड़ गया। शिक्षा, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, जहाँ चाह वहाँ रहा। जहाँ तुम्हारी इच्छा होगी वहीं अपने आप तुम्हें खुद ब खुद उस इच्छा को पूरा करने का रास्ता भी मिल जाएगा। तो ये आज की हमारी कहानी है। इस कहानी को आप सभी अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इस कहानी को याद करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको प्यासा कौआ की कहानी समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको सभी शेयर कीजिए, ताकि अगर किसी को आगे इस वीडियो से कोई ना कोई हेल्प मिल सके। और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी साथ में मिलती रहे। धन्यवाद बच्चों, आप सबका दिन शुभ रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।